कहता है 1,000 चक्कर लगाने में एक पहिया जो है 88 किलोमीटर तय करता है। तो पहिए का हमें व्यास निकालना है, पहिए का क्या निकालना है, व्यास। ये हमारा पहिया हो गया। तो पहले हम क्या करेंगे, इस वृत्त का जो है पहिया का परिधि निकाल लेंगे। परिधि जो निकालेंगे वो एक चक्कर हो जाएगा, है ना। तो 88 किलोमीटर दिया हुआ है। अच्छा, ये सब मीटर में है, तो इस किलोमीटर को हम लोग क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो 88 किलोमीटर को हम 1,000 से अगर गुना करें, 88 को 1,000 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मीटर में हो जाएगा, है ना। 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1,000 मीटर होता है ना जी, समझ रहे हो। तो 88 किलोमीटर में हम 1,000 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो उतना मीटर हो जाएगा। ठीक है, जैसे 2 किलोमीटर है तो 2 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 2 को 1,000 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2,000 मीटर हो जाएगा। अब देखो, इतना किलोमीटर कितना चक्कर लगाने से होता है, 1,000 चक्कर। तो हम 1,000 से भाग दे देंगे, 1,000 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अब जो मिलेगा वो एक चक्कर हो जाएगा, तो 1,000 ऊपर में 1,000 नीचे में, खत्म हो गया। तो बचा क्या, ये 88 मीटर। यानी कि ये जो पहिया है एक चक्कर लगाएगा तो 88 मीटर दूरी तय करेगा। अब हमें मालूम चल गया कि इस वृत्त का जो परिधि है वो 88 मीटर। याद रहे, ये जो नीचे 1,000 है ये 1,000 चक्कर है, और ये जो 1,000 है ये 1,000 हम लोगों ने इस किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए लगाया। ठीक, चलो व्यास निकालना है। तो हम 2 पाई आर हम लोग का मिल गया, निकल गया 88 मीटर हो गया। तो हम यहाँ से आर निकाल लेंगे, समझ रहे हो। अब ये 88 गुना 22/7 है, यहाँ 7 को हम इधर लेके आ जाएंगे ऊपर, और 2 गुना 22 नीचे आ जाएगा। तो 22 दुनी 44 हो गया, और 44 दुनी 88 हो जाएगा। ये 44 हो गया, 44 दुनी 88 हो गया, 7 दुनी 14। तो त्रिज्या हमारा निकला 14 मीटर। ठीक, अब त्रिज्या का दुगुना होता है व्यास, डी बराबर कितना हो जाएगा, 14 दुनी 28 मीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।